फ्रेंड्स ये देखिए मैंने लौकी और चने को उबाल लिया है। इसमें मैंने 6 सीटी लगाई हैं। मैंने चने को भिगाया नहीं था इसलिए मैं 6 सीटी लगाई हैं। अब गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है और तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें अब 1/4 चम्मच जीरा डालना है और जीरे को अच्छे से भूनने देना है। इधर मैंने 2 प्याज कद्दूकस किए हैं, 4-5 कली लहसुन की और 1 इंच अदरक और 1 टमाटर को भी कद्दूकस करके रख दिया है। तो मैं थोड़ा सा लहसुन जो मैंने कद्दूकस करके रखा है उसमें से थोड़ा सा लहसुन डाल दूंगी और थोड़ा बाद के लिए रखूंगी। इसको डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें कद्दूकस किया हुआ प्याज डाल दूंगी और इसे अच्छे से भूनने दूंगी। इसको अच्छे से भूनना है जब तक कि ये सुनहरा भूरा नहीं हो जाता, इसको गोल्डन कलर तक इसको भूनते रहना है। प्याज हमारा अच्छे से भून गया है। अब इसमें मैंने टमाटर के साथ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाया है और अदरक और लहसुन को जो मैं कद्दूकस किया है उसे भी डाल दूंगी और इसे अच्छे से भुनने देना है। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालना है। नमक मैंने उबालते समय भी डाला था इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डालें और इसको फिर अच्छे से भुनने देना है। इसे चलाते रहना नहीं तो मसाला हमारा जल जाएगा। फ्रेंड्स मैंने मसाला हो गया था, इसमें दाल और लौकी जो हमने उबाल के रखी थी वो डाल दी है। अभी इसमें हमने पानी नहीं डाला, पानी इसमें पहले से ही था इसलिए हमें और पानी डालने की जरूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे। अभी इसे अच्छे से पकने देते हैं तब देखेंगे कि पानी की कितनी जरूरत है। अब मैं इसमें 1/2 गिलास से थोड़ा ज्यादा पानी डाल रही हूँ और 1 चम्मच मैं चना मसाला डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिलने देना है और इसे अच्छे से मिला देना है और इसे 5 मिनट और पकाना है। और फ्रेंड्स दाल को 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब दाल हमारी अच्छे से पक गई है, अब हमें गैस ऑफ कर देनी है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये चना दाल और लौकी की रेसिपी कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।